छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। वहीं शिवसेना के ठाकरे गुट के बागी उम्मीदवार राहुल कलाटे का एनसीपी नेताओं ने नामांकन वापस लेने का उन पर दबाव बनाया है, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद एनसीपी और शिवसेना नेताओं का एक दल राहुल कलाटे को मनाने उनके आवास पर पहुंचा। बता दें कि छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिले की आखिरी तारीख है और 33 उम्मीदवार मैदान में है। इस बीच राहुल कलाटे चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। अगर राहुल अपनी उम्मीदवारी जारी रखते हैं तो छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले के कारण वोटों का बंटवारा हो सकता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी उम्मीदवार को हो सकता है। छिंदवाड़ा के लोगों की जो जनभावना है, मुझे नहीं लगता मैं उस जनभावना का अनादर करूंगा, क्योंकि इस लोगों ने दो बार मेरे ऊपर बहुत प्रेम किया है। आप 2014 देखिए, 2019 देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से, जिस परिस्थिति में मेरे पीछे खड़े रहे, मुझे वोट दिया है, तो मुझे उनका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा।